अब जो हमने ये पढ़ा है इससे हमने ये तीन कंक्लूजन निकाले। नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन द रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। करंट यानी कि जो ये अपने वायर ली है इसके गिर्द क्या प्रोड्यूस हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड। अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन द रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। तो लाइन्स ऑफ फोर्स आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, और जितनी भी फोर्स की सर्कल लाइन्स आ रही हैं वो क्या होंगी, सर्कल में होंगी, लेकिन किस पे डिपेंड करेंगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट। वो तो मैंने पहले ही आपको बताया डायग्राम में करंट पे डिपेंड। थर्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। यानी फील्ड जब तक रहेगा कब तक, जब तक उसमें से करंट पास हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय अ रूल कंक्लूडेड डायरेक्टेड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट विच इज स्टार्टेड एज वेल। यानी डायरेक्शन पहली क्लियर होगी बेटे आपको, कंक्लूजन पहली कंक्लूजन क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग वायर के गिर्द प्रोड्यूस हो जाएगा और इसकी लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं वो सर्कुलर हैं, डायरेक्शन डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट पे, और मैग्नेटिक फील्ड ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। जब तक मैग्नेटिक फील्ड जब तक रहेगा जब तक के करंट वायर में से पास होता रहेगा। और इसके बाद हमने कहा कि इस तरह का जो हमने एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया है इसमें हम क्या देखते हैं, इफ़ द वायर इज, हमने राइट हैंड, क्योंकि यही वायर को अगर हम राइट हैंड में ऐसे पकड़ लें तो क्या होगा। हमने कहा इफ द वायर इज ग्रैब्ड इन फ्लैट इन फेस्ट ऑफ राइट हैंड, अपनी मुट्ठी में राइट हैंड की अगर आप इस वायर को पकड़ लें, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। फिंगर्स ऑफ द हैंड विल सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। फिंगर्स जो हैं वो आपको क्या डायरेक्शन करेगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटी आपको, राइट हैंड रूल। हमने एक राइट हैंड रूल यहाँ पे कंसिडर किया, उसके लिए हमने क्या कहा है, इफ़ द वायर इज ग्रैस्ड इन फिस्ट ऑफ राइट हैंड, इन द इफ़ द वायर इज ग्रैस्ड इन फिस्ट ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड की मुट्ठी में अगर आप इसको वायर को पकड़ लेते हैं, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द फिंगर्स ऑफ द हैंड्स विल बी सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नोन एज राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड, चाहे आप इसकी आई बी राइट करंट मैग्नेटिक फील्ड करंट राइट हैंड। क्लियर हो गया बेटे आपको, हाल अब अच्छी तरह ये सारा आपको क्लियर। अब है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ चुके हैं बार बार बेटे कि करंट कैरिंग कंडक्टर सेट्स अप इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ भी करंट कैरी होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर नज़र आएगा। इफ सच अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस तरह का कंडक्टर हम रख देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर विल इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर विल इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल फील्ड। हम अगर कहीं पे कोई कंडक्टर रख देते हैं कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर सेट्स अप इट्स ओन, यानी हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ एक समझे करंट है कैरिंग है ये वाले, इसमें से पास हो रहा है, अगर हम इसको रख देते हैं किसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो लाजमी है
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर इंटरेक्ट विद द एक्सल, दोनों इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसमें रखा है उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और कहेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इट द कंडक्टर में एक्सपीरियंस इज अ फोर्स। तो कंडक्टर जो है इस तरह हो सकता है कि फोर्स जाहिर करे। अब इसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं क्या दिस इफेक्ट, कंसीडर अ रॉड ऑफ कॉपर, एक कॉपर की रॉड ले लेते हैं, कैबल मूविंग ऑन पेयर ऑफ कॉपर वेल्स, रॉड ऑफ कॉपर और मूव ऑन कॉपर वेल्स, ये कॉपर वेल्स हैं इसके ऊपर ये मूव करेगी, क्लियर हो गया आपको। और ये होल ऑपरेटर जो हमने प्लेस किया है इन द पीस ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट, सो दैट द कॉपर हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर हमने इसको प्लेस किया है और द रॉड, सो दैट द कॉपर रॉड इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली वर्टिकली अपर, हमारे नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपर नज़र आ रहे हैं आपको। दिस वन इज करंट, दिस वन इज फोर्स, और क्या है आपका फोर्स, फोर्स राइट हैंड की और करंट की मैग्नेटिक फील्ड की और आई की, क्लियर हो गया आपको। और इन दोनों के दरमियान जो फासला उसको आपने स्मॉल एल से शो किया है, उसकी अपनी लेंथ एल है और ये बैटरी है, पॉजिटिव जो है उसका इससे है, नेगेटिव इसका इससे है, पॉजिटिव टू क्लियर हो गया। डायग्राम आप अच्छी तरह बेटे बना के लिए